हेलो दोस्तों, एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के भाग तीन का अध्ययन करेंगे और इसमें हम प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। नंबर वन, संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नंबर टू, संघीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नंबर थ्री, प्रांतीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नंबर फोर, प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नंबर फाइव, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नंबर सिक्स, प्रक्रिया नियम समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नंबर सेवन, राज्यों के लिए समिति जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नंबर एट, संचालन समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब कुछ बातें हैं जो याद रखने योग्य हैं, याद रखें। नंबर वन, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। नंबर टू, डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थाई अध्यक्ष तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को स्थाई अध्यक्ष चुना गया। नंबर थ्री, संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। नंबर फोर, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू यानी एग्जीक्यूट किया गया। नंबर फाइव, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जी बी मावलंकर थे। नंबर सिक्स, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया था। नंबर सेवन, संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अधिनियमित किया गया था। नंबर एट, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नंबर नाइन, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नंबर टेन, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नंबर इलेवन, संविधान सभा की सलाहकार समिति यानी एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नंबर ट्वेल्व, भारतीय संविधान मूलतः दो भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के दो पार्ट बना चुका हूँ, भाग वन और भाग टू। प्लेलिस्ट में मैंने वो डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।